दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। फिर एक बार आपका दोस्त, आपका होस्ट जगत हियर। सो यू आर वॉचिंग मी हियर फ्रॉम कुबीत लाइव। आज का टॉपिक फिर बता देता हूँ, इंस्टाग्राम में पूछे गए सभी सवालों के जवाब। इसमें आप ध्यान से सुनिए, कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे नीचे लिखें, आपके भी ऐसे सवाल हो सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैंने एक लिस्ट बना रखी है, काफ़ी लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। मैं चाहूँ आप और जानने वाले सभी इन सवालों का जवाब सुने। दोस्तों एक सवाल था, सबसे पहला जो सवाल आता है मनीष जी का सवाल है, कुबैत देश इंटरव्यू होने के बाद कितना टाइम लगता है, मतलब फ्लाइट करने में कितना टाइम लगता है कुबैत देश आने में। तो दोस्तों इसका जवाब है 3 महीने आने में कितना टाइम लगता है। एक्चुअली जैसे लोग दुबई चले जाते हैं तो 15 डेज, 1 महीने में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में ओमान चले जाते हैं। वैसे एक भाई का कुछ सवाल था और काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है, कुबैत आने में कितना टाइम लगता है। तो इसका जवाब है, कुबैत आने में 3 महीने लगते हैं, 90 दिन से 100 दिन तक लग जाते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले इंटरव्यू पास करना है। उसके बाद प्री मेडिकल है, गमखा मेडिकल है, PCR है, उसके बाद वीज़ा है, फिर टिकट, फिर आप फ्लाइट है। तो इस पूरा प्रोसेस में 3 महीने लगता है। अगला सवाल है, किस अखलाक भाई का सवाल है, हमको जो वीज़ा मिलता है वो 3 महीने के मिलता है, उसको बोलते हैं इंट्री वीज़ा। इंट्री वीज़ा कोई भी देश सबसे पहले इंट्री वीज़ा देता है आपको 3 महीने का। तो 3 महीने का लगता है, जो आपको जो वीज़ा रहता है उसके नीचे लिखा रहता है 3 महीने वैलिड है। फिर जब आप कंट्री में पहुंच जाते हैं, या जहाँ आप कुबैत में पहुंच गए, वीज़ा लेके बस वीज़ा है हर चीज़, कुबैत में पहुँच गए कंपनी में पहुँच, तो आपकी कंपनी वाले आपको आपका मेडिकल कराते हैं, और जो भी प्रोसेस होता है मेडिकल का, पूरा मेडिकल होता है, तो उसके बाद आपका वर्किंग वीज़ा लगता है 2 साल 3 साल सरकार में आपका वीज़ा। तो ये प्रोसेस है, इंट्री वीज़ा आपको सबसे पहले मिलता है, उसके बाद आपको वर्किंग वीज़ा मिलता है। तो दोस्तों जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, अपना मैसेज लिखें, आपका कोई भी सवाल हो नीचे लिखें, मैं जरूर वहाँ जवाब दूँगा, वैसे ही जवाब दूँगा। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें, आपको बहुत जानकारी मिलती रहेगी ऐसी। तो दोस्तों अगला सवाल है मोहम्मद भाई का, जिन्होंने मुझे सवाल पूछा है, बहुत सारे उन्होंने वीडियो देखे, जॉब के लिए आए थे कैशियर का, बट वो कैशियर न करते हुए और दूसरा काम कर रहे हैं, यूटिलिटी बोलते हैं इसको, बोला। तो इस सवाल का जवाब है दोस्तों, जब आप ऑफर लेटर साइन करते हो, इसमें लगभग मिनिमम 10 पॉइंट, जो बड़ी कंपनी होती है उसका 3 पेज का, 6 पेज का ऑफर लेटर होता है, उसमें क्लियर समझाया जाता है आपका जो पोस्ट है आपको, तो ध्यान से अपने पोस्ट को पढ़ें, पोस्ट में काम क्या है वो तो बाद में बताया जाता है। तो आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने कैशियर का अप्लाई करा तो आपको वही काम करना होगा, न कि दूसरा काम या तीसरा काम। तो अपना जो भी इसका जवाब है, आप अपना ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ें और तभी साइन करें, तभी एग्री करें कि आप उस पोस्ट ले जा रहे हो, ये आपका सवाल होगा। हाँ दोस्तों, फिर एक दोस्त का सवाल आया, दोस्त का नाम है ललित, ललित जी का सवाल आया, कुबैत देश कितना गर्म है। एक्चुअली उनका सवाल पूरा है कि वो ठंडे इलाकों से, पहाड़ों से हैं, कुल्लू मनाली से हैं, उनको कुबैत माना है तो उनके लिए कैसा रहेगा कुबैत। और उन्होंने बहुत सारे मैसेज लिखे थे, कपड़े गर्म लाऊं ना लाऊं, ये तो उनको मालूम है, मेरे यूट्यूब वीडियो उन्होंने देखी, कुबैत बहुत गर्म देश है, गल्फ का सबसे गर्म देश है, दुनिया का चौथा गर्म देश है, तो गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका सवाल का जवाब है, कुबैत 8 महीने गर्म रहता है, 4 महीने ठंडा रहता है, नॉर्मल रहता है, ठंडा नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है। तो आप जहाँ भी काम करेंगे आपको वहाँ AC मिलेगा, कूलर मिलेगा, पंखा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ और अपना जॉब करो, आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों आपका बहुत, तो दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम है, ललित भाई आप ज़रूर आए,
कोई ठंडा गर्म से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल शांत मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। आप आइए इधर, एक मेरे दोस्त हैं हसी का पूरा नाम सिखान है। इनका सवाल है कुवैत का एक दिनार कितना होता है। तो दोस्तों आज की डेट ऑलमोस्ट 5 अक्टूबर, मैं वीडियो को बाद में लोड करूँगा, पर जो आज का डेट है जब मैं शूट कर रहा हूँ, आज 5 अक्टूबर को एक कुवैती दिनार का रेट है 243, जो आज का रेट चल रहा है 243 आज का कुवैती दिनार का रेट चल रहा है। उस बात का जवाब मिल गया। एक और एक फॉलोअर ने मुझे सवाल लिखा है, क्या कुवैत में हिंदी बोली जाती है? जी हाँ, कुवैत की जनसंख्या 40 से 45 लाख है, जिसमें अपने इंडियन 5 से 7 लाख, पाकिस्तानी 1 से 2, नेपाली, भूटानी, श्रीलंकन, बांग्लादेश और एशिया के बहुत सारे कंट्री, फिलीपीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूरोप वाले से भी कंट्री, काफ़ी लोग यहाँ काम करते हैं। तो यहाँ पर सवाल होता है हिंदी बोली जाती है, आपको हर चौथा बंदा हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है हिंदी कहाँ नहीं चलती है, इंडिया में चलती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, तो यहाँ हिंदी बोली जाती है। आपको जो भी चौथा बंदा मिलेगा वो हिंदी बोलने वाला मिलेगा, तो कुवैत में हिंदी बोली जाती है। एक हमारे यूज़र हैं अनीसा, इनका सवाल है कुवैत में यदि मैं नौकरी करने आता हूँ तो 1 साल में कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी? वो तो पहले आपके ऑफर लेटर में लिखा होगा, आपका वीज़ा 1 साल का है, 2 साल का, 3 साल का, जितने साल का आपका वीज़ा उसमें लिखा रहता है क्लियर। वैसे अभी गल्फ में कोई भी कंट्री है, जैसे कुवैत है, कोई भी कंट्री है, उसमें साल में छुट्टी आपको मिलती है, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, कोई भी है। नहीं तो 2 साल में आपको छुट्टी मिलती ही मिलती है 60 डेज़ की, 1 साल में आपको 30 से 45 दिन की पेड लीव मिलती है, प्लस फ्लाइट टिकट, बोथ साइड। ऐसे ही यदि आप 2 साल में जाते हो आपको 60 डे टू 70 डेज पेड लीव प्लस टिकट बोथ साइड, ये सिस्टम है। तो ये आपका एक यूजर का सवाल था, उसका जवाब दे दिया मैंने। एक मेरे कोई सीनियर हैं, उनका मैसेज आया था कुवैत में किराया कितना है, उनका एक्चुअली रेंट का, यदि उनकी एक कमरा लेना चाहते हैं तो फ्लैट का रेट पूछ रहे हैं। तो दोस्तों कुवैत में या कहीं भी कोई लोग आते हैं जॉब पे आते हैं तो सिंगल होते हैं, सिंगल लोगों के लिए क्या कंपनी 90% 95% लोग कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट देती है, अकोमोडेशन देती है, मेडिकल देती है, तो उसमें आपका तो कोई टेंशन ही नहीं है कि रूम लेना या नहीं लेना है। तो सवाल आता है, यहाँ पर सवाल पूछा गया था कुवैत में एक फैमिली रूम, एग्जांपल फैमिली वाला बंदा है तो उसको रूम कितने में मिलेगा? तो दोस्तों सवाल का जवाब है 50 से 60 KD में, 50 से 60 KD में एक फ्लैट मिल जाएगा, छोटा सा फ्लैट जिसमें आपका किचन होगा, बाथरूम होगा और आपका एक कमरा होगा। यदि सिंगल लड़के हैं और उनकी कंपनी उनको केवल सैलरी देती है, रूम के लिए टिकट ही देती है, तो शेयरिंग में रूम 20 से 25 KD में आराम से मिल सकता है उनको शेयरिंग में। ये रूम का जो भी सवाल था जिसमें मेरा सीनियर का, उनको जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों आपको एक लॉ के बारे में मैं इसको बताना चाहता हूँ, आपको लॉ है मिनिमम सैलरी आपकी 120 से 130 KD होनी चाहिए, जो आपकी मिनिमम सैलरी है 8 घंटे की 9 घंटे की 120 KD है, जो यहाँ का लॉ जो इंडियन करेंसी में होता है, सिंपली लगाओ 100 KD आपके 24,000 हो गए, उस पर 20 KD और दे दो तो हो गया आपका 24 से 5 20 30 30,000 रुपये, जिसमें आपका रूम, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन सब फ्री है, बुकिंग सब फ्री है। तो दोस्तों एक दोस्त का सवाल था, ये यदि मेरी सैलरी 120 से 200 है तो एक्चुअली जो सैलरी मिलती है वो आपके एक्सपेंस में मिलती है, आपके इंटरव्यू में मिलती है, आपके रेफरेंस में मिलती है। बेसिकली अभी बंदा कोई भी है उसके एक्सपेंस पर, उसके नॉलेज पर ही उसकी सैलरी मिलती है, उसके पोस्ट के हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। इसमें उनका सवाल था मेरी 120 KD सैलरी है,
तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जो एक केडी है 143, एक केडी में 1000 फील्स होते हैं, जिसमें जो मैंने करेंसी के बारे में आपको पावरफुल करेंसी, मेरी वीडियो आप नीचे देख सकते हैं, मैंने लिंक शेयर करा है, दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी कुवैत की है। एक दूसरी वीडियो शेयर करी करेंसी के बारे में, आप उसको ज़रूर देखना, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा करेंसी के बारे में। तो दोस्तों आपको 200 केडी जो सैलरी मिल रही है, मैं कहूँगा अच्छी सैलरी है, ज़रूर आपको 120 केडी मिल रही है, मैं कहूँगा अच्छी है, क्योंकि आपको मालूम है, देखो आप फ्रेशर हो, आप दुबई जा रहे हो, बहन कहीं भी जा रहे हो, आप मिनिमम सैलरी यही है, यदि आपका एक्सपीरियंस आपके पास तो आप 200, 300, 400, 500 आपका एक्सपीरियंस मिलता है, यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी यही होगी। सैलरी एक सवाल फिर आया, मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, एक सवाल था सैलरी कब बढ़ती है कंपनी में, आप इंडिया में काम करते हो, आप कहीं भी काम करते हो, सैलरी एक साल से पहले नहीं बढ़ती है, हर साल में, जैसे मेरी प्रीवियस कंपनी थी ओमान की और मेरी उससे पहले कंपनी थी, आपको ऑलरेडी अपनी कहानी बताया हूँ मैं, हर साल में मार्च में सैलरी बढ़ती है, और जब भी आपका एक साल पूरा होता है आपकी सैलरी बढ़ती है, आपका प्रमोशन होना हो तो प्रमोशन होता है, तो मिनिमम जो गवर्नमेंट का रोल होता है 3.5%, तो आपकी सैलरी एग्जाम्पल कितनी है उसका 350%, 3.5%, और कहीं 10% भी है तो मिनिमम ऐसे लगाओ 10 केडी आपकी सैलरी बढ़ती है। तो दोस्तों यदि आपकी 200 सैलरी है तो अच्छी सैलरी है, 24-48 हज़ार आपका सैलरी, आपका रूम है, ट्रांसपोर्ट हर चीज़ फ्री है, और जो भी पैसा आप सेविंग कर रहे हो। तो दोस्तों जगत ऑफिशियल यूट्यूब में आपको कोई भी सवाल पूछना है, इंस्टाग्राम जगू दादा, आप वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आप अपना सवाल रख सकते हो। व्हाट्सअप नंबर नहीं देना चाहता हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप नंबर दे दो, ये दे दो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में आपका जो भी सवाल हो मैं उसका जवाब दूंगा और देता हूँ। ये सभी सवाल जो इंस्टाग्राम से पूछे गए थे, मुझे उम्मीद है सबको जवाब मिल गए होंगे, क्लियर हो गया होगा हर सवाल का जवाब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जगत ऑफिशियल यूट्यूब यदि सब्सक्राइब नहीं करते ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट्स लिखें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। एक लास्ट सवाल मैं फिर ले लेता हूँ, कोई हैं लोकमान, इनका सवाल था क्या कुवैत में वीज़ा चालू हो गए हैं? हाँ जी, कुवैत में वीज़ा चालू हो गए हैं, फ्लाइट चालू हो गई है, हर चीज़ चालू हो गई है, बिजनेस पूरे चालू हो गए, केवल वैकेंसी है, इंटरव्यू चल रहे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ, जी हाँ वीज़ा चालू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।